हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज यहाँ पर हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। करंट में जितने भी रहे हैं उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो याद रखना है, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच कंडक्ट होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज है और 2023 में कहाँ पर हुई, तो ये मंगोलिया में ही कंडक्ट की गई है। एक्सरसाइज जिमेक्स 23 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। अब देखिए, नाम से ना हम थोड़ा सा पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री हो सकती है। जे से मतलब कोई कंट्री होगी, जे से आई मतलब होता है इंडिया, और मैक्स मतलब मैरिटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, अब जे, अब यहाँ पर ऑप्शन जैसे दिए गए हैं कन्फ्यूजन वाले हैं। जे से ये तीनों ही कंट्रीज़ हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो इन चीज़ों पर, तो जमैका और जॉर्डन, इनके साथ में हमारी कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती है। तो इसीलिए इसका आंसर है जापान। जापान और इंडिया के बीच होती है जिमिक्स एक्सरसाइज। अभी इसकी 7th एक्सरसाइज हुई है, 7th एडिशन हुआ है, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। ठीक है, और इंडिया और जापान के बीच एक और एक्सरसाइज भी होती है, धर्मा गार्जियन। एक्सरसाइज सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड एट। ये जो एक्सरसाइज है ना, काफ़ी सारी कंट्रीज़ की एक जॉइंट नेवल ड्रिल है, और इसको गल्फ ऑफ ओमान में कंडक्ट किया गया है। ठीक है, जैसे कंट्रीज़ रशिया, चाइना, ईरान, गल्फ ऑफ ओमान में इन तीनों कंट्रीज़ के द्वारा जॉइंट नेवल ड्रिल को कंडक्ट किया गया है। ये है लोकेशन गल्फ ऑफ ओमान की। इंडिया कंडक्टेड साल्वेक्स एक्सरसाइज विद विच कंट्री। ये एक्सरसाइज इंडिया की होती है यूएसए के साथ में। 7th एडिशन इसका हुआ है। साल्वेक्स मतलब साल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज, यूएसए और इंडियन नेवी के बीच होती है। 2023 में 7th एडिशन जो हुआ कोची में हुआ। ठीक है, और इंडिया और यूएसए के बीच युद्ध अभ्यास को भी कंडक्ट किया जाता है। एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो एक्सरसाइज है अल मोहद अल हिंदी, इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच कंडक्ट की जाती है। यहाँ पर देखें, बायलिटरल नेवल एक्सरसाइज है ये। 2nd एडिशन इसका 2023 में कंडक्ट हुआ है इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच। कहाँ पर, सऊदी अरबिया में ही इसको, इस एक्सरसाइज को किया गया है। इंडिया की तरफ से INS तरकश, INS सुभद्रा और डॉनियर मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कंडक्ट होने वाली एक एक्सरसाइज है। 4th एडिशन इसका 2023 में सेलिब्रेट हुआ है, कंडक्ट हुआ है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, और साउथ चाइना सी में इसको कंक्लूड किया गया। इन विच कंट्री हैज़ नाटो ऑर्गेनाइज द आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 23 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नाटो के द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज पहली बार फिनलैंड में इसको कंडक्ट किया गया है। ठीक है, नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था और यूएसए के लीडरशिप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में। फिलहाल 31 मेंबर हैं और 31st लेटेस्ट मेंबर फिनलैंड ही बना है, और फिनलैंड में ही इसको आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड एयर डिफेंडर 2023। इसका आंसर होगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, एयर डिफेंडर 2023। नाटो की बिगेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, और जर्मनी के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है। तो याद रखना है, एयर डिफेंडर नाटो की एक एयर एक्सरसाइज है। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस एंड यूएई मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हेल्ड इन, कहाँ पर हुई है, गल्फ ऑफ ओमान में, ऑप्शन ए करेक्ट है, और इंडिया की तरफ से INS तरकश ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लोकेशन में देखेंगे तो ये ओमान हमें देखने को मिल रहा है, ये यूएई है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान, और ये लोकेशन, ये वाली लोकेशन जो है ना, ये वाली क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो यहीं गल्फ ऑफ ओमान में इस एक्सरसाइज को, मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सरसाइज एक्यूविरिन 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। एक्सरसाइज एक्यूविरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच कंडक्ट होने वाली एक एक्सरसाइज है। एडिशन इसका 12th था इस बार। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, और उत्तराखंड में इसको 2023 में कंडक्ट किया गया है। एक्सरसाइज ओरियन हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री रिसेंटली। तो ये जो एक्सरसाइज है, रिसेंटली फ्रांस में इसको कंडक्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक मिलिट्री, मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, फ्रांस में कंडक्ट की गई, और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था।
इंडिया का पहला फीमेल राफेल पायलट जो है, इंडिया की पहली शिवांगी सिंह, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, इंडिया की पहली फीमेल राफेल पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। ठीक है, एक्सरसाइज ओरियन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, फ्रांस में कंडक्ट की गई। यूएसए लॉन्च्ड एक्सरसाइज बालिकतन विद विच कंट्री? यूएसए की ये जो एक्सरसाइज है फिलीपींस के साथ कंडक्ट की जाती है। एक्सरसाइज बालिकतन लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, लॉन्च्ड बाय यूएसए एंड फिलीपींस टू काउंटर चाइना, और साउथ चाइना सी में इसको किया गया था। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं साउथ चाइना सी की, चाइना और आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं इन सभी के बीच डिस्प्यूट इसको लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर बना रहता है, और चाइना हमेशा डोमिनेंस अपने यहाँ पर बना कर रखता है या बना कर रखना चाहता है, जिससे बाकी कंट्रीज़ काउंटर करने के लिए इस तरह के प्रयास करती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? अजय वॉरियर जो है इंडिया और यूके के बीच कंडक्ट होने वाली एक एक्सरसाइज है, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 7th एडिशन इसका कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया एंड यूके, और लोकेशन आप देखें तो यूके में ये अभी 2023 में कंडक्ट हुई थी। रिसेंटली आशियान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज जो, या फिर इसको एम 2023 भी बोल सकते हैं, हैज़ बीन कंडक्टेड इन, कहाँ कंडक्ट की गई? आसियान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज, आंसर है इसका साउथ चाइना सी। इंडिया की तरफ से INS दिल्ली, INS सतपुड़ा ने पार्टिसिपेट किया, और मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P8I ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, आसियान और इंडिया के बीच है, मेरीटाइम एक्सरसाइज है, साउथ चाइना सी में कंडक्ट किया गया। अभी यहाँ पर आसियान के बारे में बेसिक चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में इसको फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, और कंट्रीज़ जो हैं आप कैसे याद रख सकते हैं, इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, यह है MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। कितनी कंट्रीज़ है? पहली बात तो यही, तो 11 कंट्रीज़ हैं, अभी तक 10 थी, लेकिन अभी रिसेंटली ईस्ट तिमोर जो है ये 11वीं कंट्री के रूप में इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। बर्मा क्या है? म्यांमार है। ठीक है, तो ये तो 10 हो गई, और इसके अलावा ईस्ट तिमोर है 11वीं कंट्री। विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज सिलिनिक्स 2023? सिलिनिक्स नाम से समझ आ रहा होगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और होस्ट किसने किया? 2023 की जो एक्सरसाइज है श्रीलंका ने होस्ट किया इसको। ठीक है, बायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है, 10th एडिशन इसका हुआ अभी कोलंबो श्रीलंका में, इसको होस्ट किया गया। पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से किसने किया? INS किल्तन और INS सावित्री ने। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2023 विद विच कंट्री? भारत ने धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज जो है कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट की है? तो ये जो है इंडिया और जापान के बीच में होती है एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 4th एडिशन 2023 में हुआ है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज दस्तलिक हैज़ बीन कंडक्टेड बाई इंडिया एंड विच कंट्री? तो एक्सरसाइज दस्तलिक जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच कंडक्ट की जाती है, ये एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, 4th एडिशन इसका भी देखने को मिला बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर्मी और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 2023 में ये देखने को हमें मिली है। ठीक है, उज्बेकिस्तान लोकेशन आप ये देख रहे हैं, इसकी कैपिटल है ताशकंद, यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अराल सी आपको लोकेशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट मालाबार एक्सरसाइज 2023? मालाबार एक्सरसाइज 2023 में जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट की गई है। 4 कंट्रीज़ के बीच ये एक नेवल एक्सरसाइज है, जो क्वाड कंट्रीज़ हैं इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच ये की जाती है, नेवल एक्सरसाइज है। 27th एडिशन इसका हुआ और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट की गई है। एक्सरसाइज MFEX 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट? तो MFEX एक्सरसाइज जो है ये आंध्र प्रदेश में कंडक्ट की गई है। इसके बारे में देखें तो ये लार्जेस्ट बायनियल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, सारी इंडियन फोर्सेज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 3rd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ला पेरोज हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच ओशियन? तो ये जो है ला पेरोज एक्सरसाइज, इसको ये इंडियन ओशियन में हमें देखने को मिली। 3rd एडिशन इसका था, मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडियन ओशियन रीजन में कंडक्ट हुई, फ्रांस, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सभी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया।
एक्सरसाइज एफ इंडेक्स 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? तो इंडिया और अफ्रीकन नेशंस के बीच एफ इंडेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और 25 अफ्रीकन नेशंस ने इसको पुणे में कंडक्ट किया है। इंडिया हैज़ कंडक्टेड एक्सरसाइज फ्रिंज एक्स 23 विद विच कंट्री? तो फ्रिंज एक्स थोड़ा आप नाम से समझ सकते हैं, एफ आर से फ्रांस है, आई एन से इंडिया है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच ये फ्रिंज एक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। और कहाँ पर हुई? 2023 में केरला में इसको कंडक्ट किया गया। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र विद विच कंट्री? तो ये एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच कंडक्ट की जाती है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 13th एडिशन इसका देखने को मिला। और कहाँ पर? जोधपुर, राजस्थान में। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज कोंकड़ 2023 विद विच कंट्री? तो ये आप याद किए होंगे सारी चीज़ें। तो कोंकण एक्सरसाइज जो है इंडिया और यूके के बीच कंडक्ट होती है। बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और कोंकण कोस्ट अरेबियन सी में ये देखने को मिली थी 2023 में। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज तर्कश विद विच कंट्री? तर्कश एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच देखने को मिलती है। ये एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, कंडक्टेड बाय द एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के द्वारा। हु बिकेम फर्स्ट IAF इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट टू डू फ्लाई सुखोई फाइटर जेट इन जापान? इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। और इंडिया और जापान के बीच वीर गार्जियन एक्सरसाइज ये कंडक्ट की जाती है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई SU-30 Mark 1 जो है फाइटर जेट इसने पार्टिसिपेट किया था और लीडिंग पायलट इसमें थी अवनी चतुर्वेदी, जो कि इंडिया की पहली फीमेल फाइटर पायलट हैं। एक्सरसाइज वरुण 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वरुण एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच देखने को मिलती है, नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 हैज़ बीन कंडक्टेड बाई इंडिया एंड विच कंट्री? तो साइक्लोन 1 एक्सरसाइज जो है ना इंडिया और इजिप्ट के बीच हुई 2023 में, पहली बार ही हमें देखने को मिली और जैसलमेर राजस्थान में इसे देखने को मिला। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज इसकी बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये एक्सरसाइज जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। राजस्थान में इसे 2022 में कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा जो न्यूज़ में बाकी थी, एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच, अग्नि वॉरियर इंडिया सिंगापुर, हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, और काजिंद जो है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच कंडक्ट की गई। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, बिल्कुल अभी हमने देखा इंडिया और मलेशिया के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। मलेशिया आप यहाँ देख रहे हैं मैप में, कैपिटल है इसकी कुआलालंपुर और यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट भी आपको लोकेशन देखने को मिलती है। 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? अग्नि वॉरियर भी हम अभी देख चुके हैं, इंडिया और सिंगापुर के बीच इसको कंडक्ट किया जाता है, महाराष्ट्र में ये की गई थी। 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संगम कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्सरसाइज संगम का 7th एडिशन इंडिया और यूएसए की नेवी के बीच हमें देखने को मिला। एक नेवल एक्सरसाइज है, गोवा में ये हुई थी। एक्सरसाइज सूर्य किरण हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच होती है। 16th एडिशन इस बार देखने को मिला था। 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2022 ये कंडक्ट की गई इंडिया और किस कंट्री के बीच? तो इंडिया और सिंगापुर के बीच। ये मैरिटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है, दो फेज़ में कंडक्ट की गई, पहले फेज़ में विशाखापट्टनम, दूसरे फेज़ में बे ऑफ बंगाल में। सिंगापुर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसकी ये मलक्का स्ट्रेट तो हमने पीछे भी देखा था। एयर एक्सरसाइज गरुड़ सेवन हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होती है। ये एक एयर एक्सरसाइज है, जोधपुर राजस्थान में हुई और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से SU-30 Mark 1, राफेल, LCA Tejas, जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। 18th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट? तो ये जो एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास यूएसए में देखने को मिली, मतलब इंडिया और यूएसए के बीच ये कंडक्ट की जाती है, आर्मी एक्सरसाइज है, ओली उत्तराखंड में देखने को मिली। विच INS पार्टिसिपेटेड इन 7th एडिशन ऑफ IBSA-MAR जॉइंट मल्टी नेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज? इसमें
INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया था। इप्सामार इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मेरीटाइम एक्सरसाइज है, पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में इसको कंडक्ट किया गया था। यहाँ पर पोर्ट एलिजाबेथ साउथ टिप पर आपको देखने को मिलेगा और सदर्न टिप पर अफ्रीका के। स्टेडफास्ट नून एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बाय, तो ये जो है स्टेडफास्ट नून एक एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज है और ये नाटो कंट्रीज़ के द्वारा कंडक्ट की जाती है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, 1949 में स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में, 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं और लेटेस्ट जो है फिनलैंड बना है इसका मेंबर। एक्सरसाइज प्रस्थान हैज़ बीन कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी की एक एक्सरसाइज है, प्रस्थान ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा कंडक्ट की गई। ये ईस्टर्न नेवल कमांड आप देख रहे हैं जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, फिर सदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कोची और वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन विच स्टेट, तो ये पंजाब में कंडक्ट की गई है। विच कंट्री हॉस्टेड नेवल एक्सरसाइज काकाडू 2022, ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट की गई नेवल एक्सरसाइज है। थीम इसकी रखी गई थी पार्टनरशिप लीडरशिप फ्रेंडशिप। इंडिया की तरफ से INS सतपुड़ा और P-8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसने इसमें पार्टिसिपेट किया। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड द पर्वत प्रहर एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो है इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है, कहाँ पर? लद्दाख में। वेयर हैज़ एक्सरसाइज SAARECS 2022 बीन कंडक्टेड, ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई चेन्नई में। SAARECS एक्सरसाइज नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है, चेन्नई में कंडक्ट की गई बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो ये एक्सरसाइज USA और इंडिया के बीच कंडक्ट की जाती है। वज्र प्रहार 13th एडिशन इसका था और बकलो हिमाचल प्रदेश में इसको कंडक्ट किया गया। एक्सरसाइज विनबेक्स 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो इंडिया और वियतनाम के बीच ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है। चंडी मंदिर हरियाणा में ये हुई थी, 3rd एडिशन इसका 2022 में देखने मिला। कैपिटल है वियतनाम की हनोई, करेंसी है यहाँ की डोंग। इंडिया हैज़ बीन कंडक्टेड एक्सरसाइज अल नजाफ 4 विद विच कंट्री, तो ये कंट्री है ओमान। इंडिया और ओमान के बीच एक्सरसाइज अल नजा जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, 4th एडिशन इसका था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसको कंडक्ट किया गया और इसमें फोकस किया गया काउंटर टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी और पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। उदार शक्ति एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के बीच कंडक्ट की गई और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें सुखोई SU-30 Mark 1 C-17 एयरक्राफ्ट इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, ये मलेशिया मैप में आप देख रहे हैं। हु कंडक्टेड पैन इंडिया सेटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज स्काईलाइट, ये जो एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई टू टेस्ट सेटेलाइट बेस्ड सिस्टम और इंडियन आर्मी टू हैव इट्स ओन मल्टी बैंड सेटेलाइट विद एडिड सिक्योरिटी फीचर्स बाई 2025। एक्सरसाइज खंजर 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, खंजर जो एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच कंडक्ट की जाती है, जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है, 9th एडिशन 2022 में हुआ था बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान और कहाँ पर हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। यहाँ पर मैप में आप देख रहे हैं किर्गिस्तान को, कैपिटल इसकी बिश्केक है, करेंसी सोम। एक्सरसाइज संप्रीति एक्स या 10 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो ये जो है बांग्लादेश के साथ कंडक्ट होती है। कहाँ पर? 2022 में ये हुई थी जैशोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में और बोंगो सागर जो है ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच कंडक्ट होती है। एक्सरसाइज लामितिए 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड बाई इंडिया एंड विच कंट्री, लामितिए एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स के बीच होती है, 9th एडिशन इसका था, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये सेशल्स में ही हमें देखने को मिली थी 2022 में। सेशल्स आप यहाँ देखते हैं एक आइलैंड है छोटा सा, कैपिटल है यहाँ की विक्टोरिया, रुपी करेंसी के रूप में यूज़ होती है। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री,
ये जो एक्सरसाइज है मंगोलिया में देखने को मिली, 16 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया। और फिर हम इंडिया और मंगोलिया के बीच भी एक एक्सरसाइज देखते हैं, नोमैडिक एलिफेंट। यहाँ पर मंगोलिया आप देख रहे हैं, उलान बातर इसकी कैपिटल है। इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड एक्सरसाइज ईस्टर्न विच सिक्स विद विच कंट्री। ये एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच कंडक्ट की जाती है और राजस्थान में 2022 में ये देखने को मिली थी। वेयर हैज़ इंडियन नेवीज एक्सरसाइज मिलान 2022 बिगिन। ये जो एक्सरसाइज है विशाखापट्टनम में 2022 में हुई थी। 40 देशों की नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसकी थीम थी कैमरेडरी कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। एम है इसका टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिव मैरिटाइम पावर टू द वर्ल्ड। और 1995 से ये शुरू हुई है, अभी भी 2022 में हमें देखने को मिली विशाखापट्टनम में। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2022 हैज़ बीन बिगिन इन विच ओशन। तो ये जो एक्सरसाइज है पैसिफिक ओशियन में देखने को मिली 2022 में। मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। ग्वाम यूएस का एक आइलैंड है, यहाँ पर ये देखने को मिली थी पैसिफिक ओशियन में। इसमें 6 देशों की नेवी ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया है। ठीक है, और इसमें से 4 कंट्रीज जो हैं यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तो क्वाड मेंबर्स हैं सारे। मल्टी नेशनल एक्सरसाइज एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 वॉज कंडक्टेड इन विच कंट्री। तो इसे जो है यूके में कंडक्ट किया गया कोबरा वॉरियर को, और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो तेजस है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2023 विद विच कंट्री। ऑप्शंस हैं श्रीलंका, जापान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।